हेलो दोस्तों, ठीक है। मैं राज सर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या प्लांट किंगडम को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे और उन दोनों पार्ट का भी, ठीक है, कुछ भागों में बांटा गया था। प्लांट किंगडम में आप लोग, मैं बताया भी था कि उसमें थेलोफाइटा ऐसा वर्ग है जो सबसे बड़े वर्ग है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और ये भी बताया था कि थेलोफाइटा को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें क्या क्या, शैवाल, कवक और जीवाणु, यानी एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में शैवाल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कवक के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी इसके स्टडी को क्या कहते हैं। चलिए देखा जाए, इसके अध्ययन की बात किया जाए क्या कहते थे, इसको कहते हैं माइकोलॉजी। याद रहेगी, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि ठीक है, ये कवक है, इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो कवक में क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं होते हैं। इसमें जड़ भी नहीं होते हैं, ठीक है, जड़ नहीं होते हैं, तना नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब इनमें नहीं पाया जाता है, समझ आ रही है। लेकिन इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। अब संवहन ऊतक की बात किया जाए तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते होंगे, है कि नहीं। मतलब इसमें संवहन ऊतक होता है, मतलब क्या, जाइलम भी होंगे और फ्लोएम भी होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, ये हमने देखा कि ठीक है, इसमें पर्णहरित नहीं होते हैं, जड़ नहीं होते, तना नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। तो संवहन ऊतक होते हैं मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, समझ आ रही है। ठीक है, कहा जाता है ठीक है कि कवक जो है, ठीक है, बहुत फायदेमंद भी है और बहुत नुकसानदायक भी है। मतलब कुछ कवक ऐसे होते हैं कि बहुत फायदेमंद होते हैं और कुछ कवक ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो नुकसानदायक होते हैं। ये आप लोग सुने, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, समझ आ रही है। लेकिन देखिएगा, कवक है ठीक है, ये एक कोशिकीय होता है या बहु कोशिकीय होता है, समझ आ रही है। मतलब ये एक सेल का बना होता है या मल्टी सेल का बना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये किसका बना होता है, मल्टी सेल का बना होगा, मतलब ये बहु कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि कवक, ठीक है, बहु कोशिकीय, ठीक है, जीव है, समझ आ रही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। इसमें पर्णहरित नहीं होते, जड़ नहीं होते, तना नहीं होते हैं। तो इसमें होता क्या है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। कवक ठीक है, कैसा जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव है, यानी मल्टी सेलुलर। इसमें सेल जो पाए जाते हैं क्या होता है, मल्टी सेल पाए जाते हैं, मतलब एक से अधिक सेल पाए जाते हैं, समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। कहता क्या है कि कोशिका ठीक है भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब समझते हैं ना, जिसको सेल वॉल भी कहा जाता है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, समझ आ रही है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन कहा जाता है कि गोबर में भी कुछ, गोबर का तो नाम सुने है ना, जो गाय ठीक है भैंस उस देते हैं, उनका मल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गोबर पर भी ठीक है ये फंगी यानी कवक पाए जाते हैं, समझ आ रही है। तो
क्वेश्चन में कह सकता है कि गोबर पर उगने वाले कवक का नाम बताएं, यानी फंगी का नाम बताएं, ठीक है? तो उस कवक को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, क्रोप्रो फिनस। क्या कहते हैं? क्रोप्रो फिनस कहते हैं, याद रहेगी। इसके बाद आती है, ठीक है, कि पनीर उद्योग में, ठीक है, ये तो गोबर पर उगने वाले कवक के बारे में देखना, क्रोप्रोफिलस, लेकिन पनीर, जहां पनीर बनाया जाता है, ठीक है, उस उद्योग में, ठीक है, ये पनीर उद्योग में किस कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है एस्पर, जीलस पेनिसिलियम का। याद रहेगी किसका? एस्पर जीलस पहली शिनियम का। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, कि ब्रेड जो बनाए जाते हैं बहुत अस्पंज होते हैं, ब्रेड जो तैयार होता है बहुत अस्पंज होते हैं, ठीक है, उसमें भी कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो कवक है क्या? ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा कवक है, देखिए ध्यान से, कि इससे डबल रोटी भी तैयार किया जाता है। समझा रहे हैं? यानी ब्रेड तैयार किया जाता है ईस्ट से, साथ में ही अल्कोहल जो तैयार किया जाता है, अल्कोहल जो बनाया जाती है, तो उसमें कौन सा कवक उपयोग में लाया जाता है? तो इसी का। ठीक है, इसी कवक से अल्कोहल तैयार किया जाता है, याद रहेगी। अल्कोहल की बात किया जाए तो वो कौन सा है कवक इस्तेमाल में आता है? ईस्ट। ईस्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं दिक्कत है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक कवक की बात करते हैं जिसे नाइट्रोजनीकरण किया जाता है, मतलब भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाई जाती है। तो ऐसा भी कोई कवक है? तो है। उस कवक का नाम क्या है देख लेते हैं। यह है रोडो ट्र रूला। ठीक है, रोडोट्रारूला, ठीक है, ऐसा कवक है जो नाइट्रोजनीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रोजनी करण बोल सकते हैं, मतलब क्या कि नाइट्रोजनीकरण मतलब भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। समझ आ रही है? कोई दिक्कत है? भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है नाइट्रोजनीकरण का मतलब। कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, एक ऐसा कवक, ठीक है, जिसे पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक मतलब क्या? जो जिससे दवा तैयार किया जाता है, ऐसा दवा जो सब में काम आए उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, और यह किससे तैयार किया जाता है? नोटेटम से। ठीक है, क्या तैयार किया जाता है? तो ये पेनी सिलियम नामक एंटीबायोटिक। याद रहेगी कि पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक किससे तैयार किया जाता है? नोटेटम कवक से। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कवक के बारे में। ठीक है, ये कवक जो है ये परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। मतलब क्या कि परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर भी ये उगाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी मतलब मरे हुए जीव पर भी, जैसे आप लोगों ने लकड़ी में उगते हुए, ठीक है, फंगी को देखा होगा, गोबर में उगते हुए फंगी को देखा गया। ये सब क्या है? मृत है, मरा हुआ है, डेड सेल है, वो सब में भी पाए जाते हैं और जिंदा में भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने, एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं, ठीक है, कितने लोगों को देखे होंगे कि सर में बाल नहीं होते, ठीक है, तो ये दो रीजन से होता है, या तो एक उसका जनरेशन होता है और दूसरा एक टिनिया कैपिटिस नामक कवक क्या करता है? बाल को खा जाता है, मतलब उसके वो, ठीक है, सर पे ये होने से होती है।
ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कवक जो है परजीवी भी है अमृतो जीवी भी होते हैं। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इससे होने वाले रोग के बारे में। कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब रोग की बात करते हैं, जैसे दाद, ठीक है, दाद रोग का नाम आप लोग सुने हैं, ठीक है, गंजापन भी एक रोग है, दमा भी एक रोग है और एथलीट फूट भी एक रोग है। तो ये कवक से होने वाला रोग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये भी आ जाती है कि कवक से होने वाला रोग इनमें से कौन है, तो देख लीजिएगा, दाद है, गंजापन है, दमा है, एथलीट फूट है, खुजली जो हो, खुजली भी। तो दाद जो होता है, ठीक है, ये कौन से कवक से होता है, उस कवक का नाम बताइए जिससे दाद होता है। तो याद रखिएगा उस दाद का नाम है माइक्रो, ठीक है, देखिएगा माइक्रो स्पोरम कैनिश, ठीक है, या ट्राइको फाइटन, ठीक है, याद रहेगी कि दांत किस कवक से होता है, तो माइक्रो स्पोरम कैनिश या ट्राइको फाइटन से। कोई दिक्कत है यहां? अब हम यहां गंजापन की बात कर रहे हैं, देखे होंगे कि पूरा बाल ही गायब हो जाता है आगे से, ये किस कवक से होती है, ठीक है, तो ये होती है टिनिया कैपेटिस से। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दमा का, ठीक है, दमा किससे होती है, तो ये होती है एस्पर जीलस फ्यूमिगेट से। याद रहेगी क्या है, एस्पर जीलस फ्यूमिगेट्स। अब इसके बाद आता है एथलीट फूट, ठीक है, एथलीट फूट किससे होती है, टिनिया पेडिस, ठीक है, या और यहां लिख सकते हैं ट्राइकोफोटोनी, चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है, दांत किससे होता है, माइक्रोस्पोरम कैनिस या तो ट्राइकोफाइटन से, गंजापन किससे होता है, टिनिया कैपिटिस से, दमा किससे होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट से, अब है एथलीट फूट किससे होता है, टिनिया पेडिस या तो ट्राइकोफोटोनी, ठीक है। इसके अलावा कुछ पौधों में भी नुकसान पहुंचाने वाले कवक है, अब उन कवक का नाम देख लेते हैं हम लोग कि किस कवक से कौन सा पौधा को नुकसान होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैंने क्या कहा था कि ठीक है कि पौधों में होने वाले रोग को देखेंगे, जिसे रेड रस्ट, ठीक है, जिसको लाल विघलन भी कहते हैं, रेड रस्ट, लाल विघलन भी जिसको कहते हैं, वो किस पौधे को सबसे हानि, ज्यादा हानि पहुंचाता है, तो ये किसको पहुंचाता है, गन्ना को, ठीक है, गन्ना में देखे होंगे, ठीक है, गन्ने जो लंबे लंबे होते हैं उसमें बीच में देखिएगा रेड रेड कलर का फट जाती है गन्ना, अब वो लाल रंग का दिखाई देता है और उसे कौन सी बीमारी से जाना जाता है, रेड रस्ट। जब गन्ना खरीदते होंगे तो बोलता है अरे ये कोई बीमारी नहीं है, ये गन्ना में हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, सुनारी है। अब देखिए सफेद रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये सरसों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये रोग सरसों के पौधे में देखने को मिलती है। देखे होंगे कि जो सरसों का पौधा होता है वो सरसों क्या होता है, ठीक है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, उसमें सादा सादा टाइप का दाग टाइप के आ जाती है और उस रोग को क्या कहते हैं, सफेद रस्ट या तो व्हाइट रस्ट कहते हैं। अब किट्टू रोग की बात करते हैं, ठीक है, ये गेहूं में देखने को मिलेगी, गेहूं के पौधे में कौन सा रोग होता है, किट्टू रोग। टिक्का रोग की बात करें तो यह किसमें होती है, मूंगफली में,
से देख लेते हैं, रेड रस्ट किसको? गन्ना में, सफेद रस्ट सरसों में, टिट्टू रोग किसमें? गेहूं में, और टिक्का रोग किसमें? मूंगफली में। लेकिन ठीक है, पौधे को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला कवक कौन सा है जो आए दिन एग्जाम में आते रहती है? ठीक है, तो वो कवक कौन सा है? ठीक है, उसका नाम है रस्ट एवक या और क्या बोल सकते हैं, अस्मस्ट। ठीक है, ये कवक ऐसा है ठीक है जो पौधों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। कोई दिक्कत याद है? चलिए, ये तो हम कवक की बात कर रहे थे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, लेकिन मेरा फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, और कितने हैं कि देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बगल में बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।